man who's at the center of this controversy. He was one of the stalwarts of the BJP, but now Jaswant Singh is finding himself at loggerheads with the party he was associated with for over two decades. In his most emotional outburst after filing nomination as an independent candidate from Barmer, Jaswant Singh has also accused both Rajnath Singh and Vasundhara Raje of betraying him. He's also saying there's a clash between the old BJP and the new BJP and that few people have completely changed the party. आप लोगों की मानसिकता को जो चोट पहुंचाई है वो चोट पहुंचाने वाले कौन हैं इसका मैं सफाई से आपको जवाब दे दूं। प्रमुख रूप से वो चोट पहुंचाने वाले एक तो बीजेपी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं श्री राजनाथ सिंह और वो मेरे साथ ये दूसरी बार चोट कर रहे हैं और उसके बाद ये फायरिंग योजना रची गई माननीय श्रीमती वसुंधरा राजे से वो प्रमुख रूप से दोषी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री बनने का सवाल आया था तो अटल जी और अडवाणी जी ने मुझसे पूछा था हमें कार्यकारिणी की बैठक में जा रहे थे एक ही हवाई जहाज में इसके ऊपर क्या निर्णय लेना चाहिए उस वक्त मैंने कहा था राजस्थान से वसुराजे को हम मुख्यमंत्री पद के लिए कैरू सिंह जी उन दिनों तक सलामत थे। कैरू सिंह जी से पूछा गया उन्होंने कहा अब यही उपाय है इनको आगे चढ़ाओ। मैं आपको फिर बता देता हूं कई दिनों तक रोज शाम को यही वसुंधरा राजे मेरे यहां आकर के बैठती थी भैरव सिंह जी भी आते थे और योजना बनती थी कि कैसे ये किया जाए अडवाणी जी को समझाया जाता था। इसी तरह राजनाथ सिंह जी के जब अध्यक्ष बनने का रहा तो फिर मुझसे जब पूछा गया था तो मैंने कहा राजनाथ सिंह जी को अध्यक्ष बनाइए। मुझे खेद होता है दुख भी होता है कि इन्हीं दो लोगों ने मेरे साथ इस किस्म की गद्दारी करी इस किस्म से मुझे धोखा दिया। आप लोगों की मानसिकता को जो चोट पहुंचाई है वो चोट पहुंचाने वाले कौन हैं इसका मैं सफाई से आपको जवाब दे दूं। प्रमुख रूप से वो चोट पहुंचाने वाले एक तो बीजेपी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं श्री राजनाथ सिंह और वो मेरे साथ ये दूसरी बार चोट कर रहे हैं और उसके बाद ये फायरिंग योजना रची गई माननीय श्रीमती वसुंधरा राजे से वो प्रमुख रूप से दोषी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री बनने का सवाल आया था तो अटल जी और अडवाणी जी ने मुझसे पूछा था हमें कार्यकारिणी की बैठक में जा रहे थे एक ही हवाई जहाज में इसके ऊपर क्या निर्णय लेना चाहिए उस वक्त मैंने कहा था राजस्थान से वसुराजे को हम मुख्यमंत्री पद के लिए कैरू सिंह जी उन दिनों तक सलामत थे। कैरू सिंह जी से पूछा गया उन्होंने कहा अब यही उपाय है इनको आगे चढ़ाओ। मैं आपको फिर बता देता हूं कई दिनों तक रोज शाम को यही वसुंधरा राजे मेरे यहां आकर के बैठती थी भैरव सिंह जी भी आते थे और योजना बनती थी कि कैसे ये किया जाए अडवाणी जी को समझाया जाता था। इसी तरह राजनाथ सिंह जी के जब अध्यक्ष बनने का रहा तो फिर मुझसे जब पूछा गया था तो मैंने कहा राजनाथ सिंह जी को अध्यक्ष बनाइए। मुझे खेद होता है दुख भी होता है कि इन्हीं दो लोगों ने मेरे साथ इस किस्म की गद्दारी करी इस किस्म से मुझे धोखा दिया।